हाय एवरीवन, मैं कोमल। मेरे चैनल कलर्स विद कोमल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियां शुरू हो गई है और सर्दियों में सर्दी खांसी जुकाम बुखार की प्रॉब्लम आम बात है। तो अगर आपके साथ भी आपको भी बहुत अधिक सर्दी खांसी होती है, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम रहती है, फ्लू की प्रॉब्लम रहती है, कफ कोल्ड की प्रॉब्लम रहती है, या आपकी बॉडी में मांसपेशियों में ऐंठन रहती है, मांसपेशियों में दर्द होता है बहुत अधिक, या वैसी लड़कियां या महिलाएं जिन्हें मेंस्ट्रुअल पेन बहुत अधिक होता है, पीरियड के समय उन्हें बहुत अधिक दर्द होता है, तो उनके लिए एक ऐसा अचूक उपाय लेके आई हूँ जो सदियों से हमारे बड़े बुजुर्ग जिसका इस्तेमाल करते आ रहे हैं, बस आज के तौर पे हम उन्हें भूल से गए हैं। तो देख लेते हैं वो कौन सा उपाय है जो हमारी इन सभी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देंगी। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए आए हैं अगर मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में पड़े इस घंटे के बटन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे होगा कि आप मेरे चैनल पे आने वाली न्यू वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सा अचूक उपाय है जिससे आपकी इन सारी समस्याओं से आपको निजात मिल जाएगी। इस उपाय का इस्तेमाल अगर आप रात में करते हैं तो आपको बहुत अधिक फायदा मिलता है, लेकिन अगर आप रात में इसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, आपको दिन में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी नाभि को अच्छी तरह से साफ करना है, अपनी नाभि की अच्छी तरह से सफाई करनी है। जी हाँ दोस्तों, नाभि हमारे बॉडी का सेंटर पार्ट है, और नाभि के इम्पॉर्टेंट के बारे में मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें आप लोगों का भरपूर प्यार मिला मुझे। तो अगर आप नए हैं और उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि नाभि में छुपे होते हैं हमारे सेहत और सौंदर्य के ढेर सारे राज, तो ये वीडियो भी कुछ नाभि से रिलेटेड होने वाली है। तो क्या करना है, आपको सबसे पहले नाभि को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, सफाई कर लेनी है नाभि की। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था नाभि में तेल डालने के लिए, इस बार आपको लेना है ब्रांडी। जी हाँ दोस्तों, ब्रांडी लेनी है। आप कहेंगे शराब, शराब हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है और बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ मैं इसे, लेकिन आयुर्वेद में देसी इलाज के रूप में शराब का इस्तेमाल बहुत ही फायदेमंद है। पुराने समय में किसी छोटे से बच्चे को बहुत अधिक सर्दी जुकाम हो जाता था ना, तो उसे भी थोड़ी सी मात्रा में ब्रांडी पिला देते थे और उसकी सर्दी जुकाम छूमंतर हो जाता था। यहाँ पे वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, मुझे पता है बहुत सारे लोग अल्कोहल को कंज्यूम करना नहीं चाहते हैं, तो कोई बात नहीं, हमें अल्कोहल को कंज्यूम थोड़ी करना है। मैंने लिया है यहाँ पे ब्रांडी, और लेना है एक साफ कॉटन बॉल। अगर आपको ब्रांडी ना मिले तो आप 50% अल्कोहल भी ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, इस साफ कॉटन बॉल को इस ब्रांडी में डिप करना है, अच्छी तरह से डिप करना है। और क्या करना है, इसे इस कॉटन बॉल को ब्रांडी में डिप करने के बाद इसे हल्का सा निचोड़ लेना है ताकि ब्रांडी इसमें पूरी तरह से डिप भी हो जाए और टपके भी ना। अब क्या करना है, हमने जो अपनी नाभि को क्लीन किया ना अच्छी तरह से, अपनी नाभि में इस कॉटन बॉल को रख लेना है, और ऊपर से एक पेपर टेप आता है उसे हमें ऊपर से अपनी नाभि पे चिपका देना है। वो पेपर टेप आपकी स्किन पे पूरी तरह से चिपकती भी नहीं है और आपकी स्किन डैमेज भी नहीं होती है, तो पेपर टेप से आप अपने नाभि के ऊपर चिपका लेंगे, जिससे क्या होगा, जब रात में अगर आपको उठने की ज़रूरत पड़ेगी, अगर आप उठना भी चाहेंगे तो ये कॉटन बॉल गिरेगी नहीं। और अगर आप इसे रात में नहीं करते हैं या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे दिन में भी कर सकते हैं। आपको इस कॉटन बॉल को अपनी नाभि में 10 से 15 मिनट तक जरूर रखना है कम से कम। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 10 से 15 मिनट तक आप टाइम निकालिए और इस कॉटन बॉल को अपनी नाभि में रखिए। अगर कफ कोल्ड की प्रॉब्लम है तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। ये उपाय बहुत ही फायदेमंद है उन महिलाओं के लिए, उन लड़कियों के लिए जो पीरियड में बहुत अधिक दर्द को बर्दाश्त करती हैं। तो इस उपाय को जरूर कीजिए और अपने रिजल्ट मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। पर इसके साथ साथ आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी। आपको अपनी नाभि की अच्छी तरह से सफाई करनी होगी। नाभि अगर गंदी होगी तो आपको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। सेकंड, अगर आपके नाभि के आसपास कोई कट लगा हो या दाने हो गए हों तो आप इस उपाय का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। तीसरा,
अगर आपको ब्रांडी की गंध से, अल्कोहल की गंध से एलर्जी है, या अल्कोहल से एलर्जी है, ब्रांडी से एलर्जी है, तो आप इस उपाय को बिल्कुल ना करें। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लगे हाथ इसे जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, ताकि अगले बंदे भी इसका पूरा फायदा उठा सके। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।